समय आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चीजों पे आ चुके हैं, उनके रिजल्टेंट फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड अपना सब खींच रहे थे, और पिछले वाले लेक्चर में काफी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझा चुका हूं, और क्वेश्चन दिया था, कहा था कि आप ट्राई किए रहिएगा, हम लोग अगले में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन थे और दो तीन क्वेश्चन मिटा भी दिया हूं, तो वो खींचते हैं। इसी तरह के सब क्वेश्चन दिए हुए थे, आप लोग एक दो तीन क्वेश्चन और भी बता देता हूं, आप लोग खींचे होंगे तो आप लोग चेक करिएगा, देखिए उसमें क्या गलतियां हुई हैं, सही है तो ठीक है, उस सही में भी हो सकता है सही होंगी, पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हम लोग को आइडिया देती हैं कि फील्ड कहाँ पे कम है, ज्यादा है रिलेटिवली, और डायरेक्शन किधर है। तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग मैं एक क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन ये रहा होगा कि ये है प्लस क्यू और ये चार्ज रहा होगा प्लस फोर क्यू, ये रहा होगा। अब फिर से इस तरह की बातें आने लगी कि कैसे इसको खींचा जाए। तो पहले तो एक तो ये समझ लेना चाहिए कि कम चार्ज से कम लाइन रिलेटिवली डेंसिटी के नाम पे हम लोग निकालते हैं और ज्यादा चार्ज से ज्यादा निकालते हैं। एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी दिखाया हुआ है निकलती हुई लाइन, इसका मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यदि निकलती हुई दिखाया हुआ है तो प्लस है, और आता हुआ दिखाया हुआ है तो वो माइनस है। तो किस तरीके से वहां पे डायरेक्शन से हम लोग साइन बता सकते हैं और डेंसिटी से मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ये बात हो रही है। अभी एक बात ये हुई। दूसरा एक पॉइंट ऐसे कर सकते हैं कि, और यदि हम लोग रिलेटिवली यदि मैं बात करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, इसे चार गुना है ये, इसे भी बात करें कि इमेजिन करिए कि हटा दिया जाए और इससे चार्ज निकाला जाए, जितनी भी लाइन निकले जितना लाइन निकाला जाए उसका चार गुना यहां से निकाला जाए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चार गुना है। दो गुना निकाला जाए तो दो गुना है, जितना लाइन यहां से निकले उतना ही यहां से निकले तो उतना ही है, यहां से जितना निकले वहां से कम निकाला हुआ दिखाए तो कम है, इसका मतलब केवल लाइन ही बना रहे, केवल लाइन बना रहे तो उनको काउंट करके या उनकी डेंसिटी देख के कम ज्यादा कितना गुना कितना पार्ट ये सब हम लोग बता सकते हैं। एक ये पॉइंट है जो आपको समझना है। दूसरा, एक लाइन ज्वाइनिंग की बात कर चुका हूं मैं, अब हम लोग देखते हैं। पहले तो ये याद रखना कि प्लस है तो निकलेगा ही, और प्लस है तो निकलेगा ही, ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा है तो आके दबा के यहाँ पे घुसा देगा कि नहीं भाई यहाँ पे टर्मिनेट तो होना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी बड़ा चार्ज हो जाए लेकिन इनका प्रभाव, बड़ा स्टेटमेंट कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए इनका प्रभाव यहाँ पर इसके कंपेरेटिवली जीरो ही होगा, क्योंकि इनका फील्ड यहाँ पर होगा k4q/d2, फाइनाइट होगा इसका यहां पर इसके करीब में, जबकि इसी का अपना इनफाइनाइट होगा। तो किस तरीके से करीब में किसी और का बस नहीं चलता, ये पिछले क्लास में बात हो चुकी है। तो एक ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना था। दूसरा, बीच वाले पॉइंट पर देखा जाए तो इसका फील अवे, देखो ऐसे प्लस चार्ज अवे और प्लस चार्ज अवे, माइनस होता तो यहां पे कर देते अपनी तरफ, लेकिन प्लस है तो अवे, अवे बताओ बीचों बीच है, इसका ज्यादा फील होगा कि इसका ज्यादा फील होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा फील होगा, ये कैंसिल होके जीरो नहीं होगा, नेट इधर होगा, इस बार इधर होगा, एक तो आइडिया ये लगा इधर होगा। पर ध्यान दो, जब इधर आते रहोगे तो इसका बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, यहां पे आता है इनफाइनाइट होना है, जरूर बीच में कहीं ना कहीं जरूर जीरो हो गया होगा, ये मस्ट है, और हम लोग इसको निकाल भी चुके हैं, याद करिएगा जाके देखिएगा, इस तरह की बात हो चुकी है फोर्स में, जब यहाँ पे d/3 पर। अच्छा हाँ, अभी भी निकाल सकते हो, x मान लो,
इसका फील्ड इधर ले लो, इसका फील्ड इधर ले लो, और दूरी यदि डी है तो यहां से डी बाई थ्री पर फील्ड जीरो होगा। ये इस तरह की बात हो चुकी है। अभी फिलहाल ग्राफ खींचना इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहां पर जीरो है, कितने मैग्नीट्यूड का यहां से फील्ड निकलेगा भाई, इनफाइनाइट और जाके जीरो हो जाएगा, और यहां से कितने का निकलेगा, इनफाइनाइट और जाके यहां पे जीरो हो जाएगा, कम होते होते। आपको पता है कि इधर तो इनफाइनाइट तक जाएगा ही, और आपको ये भी मालूम है कि इधर तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा ही। दिक्कत किस बात की आनी है, दिक्कत इस बात की आनी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तो ऐसे खींच देते हैं और ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। मैं आज तक बच्चों को सही खींचते हुए नहीं देखा। रीजन, वो सीख रहे होते हैं ना बच्चे, जब सीखते हैं तो उतना भी अप्लाई उतना अच्छा नहीं सोच पाते। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे होगा, बल्कि जो होगा वो देखिए कि कैसा होगा। ऐसा होगा कि फील्ड यहां से रेडियल निकलेगा और ये मुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, इतना दबा दिया जाएगा इसको, और इतना ये पावरफुल है कि यहां से निकलेगा रिपल्सन टाइप का तो होगा। ये देखो रिपल्सन टाइप का है, लेकिन कितना प्रभावशाली है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो देखो रिपल्सन है। छोटा वाला धक्का मार तो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं धक्का मार रहा है कि इसके इसके फील्ड में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये ध्यान देने की बात है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहां से भी निकल ही रहा है और यहां से भी निकल ही रहा है, क्योंकि प्लस से तो निकलता ही है। लेकिन ये है कि मैं ऐसा बनाया हूं कि यहाँ पे हर जगह आइडिया लग रहा है कैसा होगा। यदि कोई कहता है कि यहाँ पे कैसा होगा, देखो मैं बना देता हूँ कैसा होगा। कोई कहता है यहाँ पे कैसा होगा, तो भी मैं बना देता हूँ कैसा होगा। यहाँ पे कैसा होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा देखो। तो मैं ऐसा बना रहा हूं कि हर जगह आइडिया लग रहा है कि कैसा होगा, ये समझना है। तो किस तरीके से ये अपना जो इसका फील्ड है कितना प्रभावशाली था कि पेनिट्रेट कर गया है इसके क्षेत्र में, और इसने इससे निकली हुई फील्ड पूरा सप्रेस हो गया है, इधर ही रह गया है, और इतना इसका बड़ा एक प्रभाव है कि पूरा इसको दबा दिया है। रीजन है ये फोर क्यू है, ये क्यू है, ये समझना है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत बना देते हैं, ये लाइन निकलेगी और अभी भी रिपल्सन टाइप का ऐसे हो कि ये किया तो है पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं हो पाया, ये इसको इतने में सिमटा दिया है। एक नई चीज आपको सीखने को मिली होगी कि किस तरह। अब इमेजिन करो कि मैं प्लस क्यू, इमेजिन करो बस कि मैं प्लस क्यू और ये प्लस फोर क्यू नहीं लिखा हूं, बस ऐसे इमेजिन करो कि मैं प्लस क्यू और प्लस फोर क्यू नहीं लिखा हूं और क्वेश्चन बना रहा हूं। कह दूंगा कि यहाँ पे चार्ज ए है, यहाँ पे चार्ज बी, और फील्ड यही सामने जो दिख रहा है वही है, तो दोनों का साइन बताओ और कौन बड़ा है ये बताओ ना। तो साइन कैसे बताएंगे, फील्ड यदि निकल रहा है तो प्लस है, यदि फील्ड निकल रहा है, एरो निकल रहा है तो प्लस है, तो दोनों प्लस है, और ये इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है और ये दब गया है तो ये ज्यादा है और ये कम है। और कितना ज्यादा है, लाइन खींच के यदि इसमें से 16 लाइन दिखाई गई है और पता चला इसमें 64 दिखाई गई है तो चार गुना है। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 32 दिखाया गया है तो दो गुना है, ये समझना है। तो किस तरीके से बाकी पॉसिबल क्वेश्चंस को भी मैं डील करता रहता हूं अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। आपको पता है कि यदि थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो, डीप नॉलेज कॉन्सेप्ट, यदि डीप अंडरस्टैंडिंग हो, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यही वाली प्रॉब्लम आने लगती है न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। बच्चे समझते समय बहुत हल्के में समझते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर खुद पाठ करते हैं, क्लास में भी चाहे इसको देखते समय भी अपना कई, आप शायद कई काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो नहीं होगा। आपको डूबना होता है थ्योरी में, साइंस में, इसको एंजॉय करना होता है, तब जाके चीजें आती हैं, तो हम लोग कभी अप्लाई कर पाते हैं। और ब्रेन की अपनी रिकॉलिंग भी होती है, इसको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि
आपसे कुछ गलतियां हो गई होंगी जो आप नहीं खींच पाए होंगे, तो अब आप सही खींच लीजिएगा। अब खींचते हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा कठिन है, प्लस क्यू और माइनस फोर क्यू। उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको खींच लीजिएगा। और अब हम लोग खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। प्लस क्यू और माइनस फोर क्यू, ये और ज्यादा खतरनाक ग्राफ है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग बदलनी नहीं है। आपको बता चुका हूं कि जब हम लोग कोई चीज खींचते हैं, सोचते हैं, तो तरीके नहीं बदलते, थ्योरी नहीं बदलती, लॉज के अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो इसको भी समझने की जरूरत है, जो बार बार अक्सर मैं रिपीट करता हूं। एक तो पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि इतना ज्यादा प्रभावशाली है अपने इलाके में ये कि रेडियल बनाएंगे, चाहे ये रहता चाहे नहीं रहता, भाड़ में जाएंगे रेडियल। यदि ये प्रभाव डालेगा तो दूर डाल पाएगा, पास में नहीं डालेगा, और ये भी डालेगा तो दूर डालेगा, इसके पास में नहीं डाल पाएगा। एक बड़ा पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट, हम लोगों को ये देखना है कि प्लस से निकलेगा और माइनस पे टर्मिनेट होगा, तो बीच में कहीं जीरो होना भी नहीं है, जरूर ये होना है। एक ये पॉइंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइनस है तो इधर से आएगा और इधर तो टर्मिनेट ही होगा यहां पर। एक ये पॉइंट। लेकिन आप याद करिए फोर्स वाले में, चलो फोर्स वाले के लिए एक बड़ा सा स्टेटमेंट सुनो, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़ी चीज बताने जा रहा हूं तुमको, इसको इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। जो हम लोग फोर्स वाले कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले में खूब पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाले ना, याद है? तो जो पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाले किसी भी पॉइंट चार्ज पर, उसको हटा दो और कहो वहां पे फील्ड कितना है, तो जो फोर्स निकाले थे उसमें से उस क्यू को हटा दो, यहां से हटा दो तो उस फार्मूले में जो रिजल्ट आया उसमें से भी उसको हटा दो, और आंसर है फील्ड का। बड़ा पॉइंट, मतलब फील्ड और फोर्स कैसे रिलेटेड है वो समझने की कोशिश करो। इसका मतलब साफ है, अच्छा मैं प्लस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि ग्राफ जो खींचे होंगे और ग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग थी फोर्स की, वही सारी बातें फील्ड की भी सब सही हो जाएंगी। बस ध्यान देना जो चार्ज को चला रहे थे वो प्लस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि फोर्स वाले में तो माइनस भी देख ले रहे थे और प्लस भी देख ले रहे थे, लेकिन फील्ड के लिए हमें केवल क्या देखना होता है, जो चार्ज चलाना होता है, जो चार्ज चलाना होता है, जो चार्ज चला के देखना होता है फोर्स के नाम पर, वो प्लस होना चाहिए। और एक कन्वेंशन है तो है, तो वो प्लस होगा तो उस पर जिधर फोर्स लगेगा, जो ग्राफ होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो साइन होगा, वही सारी बातें फोर्स वाले भी, ग्राफ का नेचर होगा, वैल्यूज और ये सब होगा। बड़ा पॉइंट है, ये समझना है। तो चलो तब तुम याद करो कि जब ये बात हुई थी तो कहा गया था इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर्व वाले की तरफ जब अपोजिट साइन हो, बड़ा पॉइंट, जब अपोजिट साइन हो तो कर्व वाले की तरफ कुछ दूरी पर ऐसा केस होता है जहां पर फील्ड जीरो होता है, क्योंकि फोर्स जीरो था। और यदि मैं कहूं ना, कैलकुलेशन हो चुका है, तुम जाके वहां पे पता कर लेना, वही बात भी है, यदि इन दोनों के बीच की दूरी यदि डी है तो ये भी दूरी डी ही आती है। ये जब ये फोर क्यू माइनस फोर क्यू हो तो, कुछ और हो तो तब तो नहीं। और इसको कैलकुलेट भी कर सकते, ऐसा नहीं है, इस चार्ज का फील्ड अवे और इस चार्ज का फील्ड अपनी तरफ, दोनों को बराबर करके एक्स मान के सॉल्व करके देख लो, डी आएगा। एक और बात ध्यान दिए होगे, जब इससे दूर जाते हैं तो इसकी बात ज्यादा माननी पड़ती है, फोर्स इधर की तरफ लगने लगता है तो फील्ड भी इधर की तरफ लगने लगेगा। इतनी चीजें जानने के बाद
देखो किस तरीके से मैं प्लस से निकालता हूँ और कम हो के इसको जीरो करता हूँ और इधर वाले फील्ड को मैं ऐसे करके जीरो करता हूँ। फोर्स में जाके एक बार देख लेना, ये जो मैं समझाया हूँ काफी डिटेल में समझाया हूँ, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे फिर से उसी बात को बताना, थोड़ा फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि जो फोर्स का क्लास नहीं किए हैं वो फोर्स वाला देख लें और देख लें किस तरीके से फील्ड और फोर्स काफी ज्यादा सिमिलर है। जहां पे भी प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स की जो कुछ बात होती है वो सारा कुछ बात फील्ड के लिए उस जगह के लिए होती है, लेकिन वो चार्ज प्लस होना चाहिए जिसपे फोर्स लगने की बात होती है। एनीवे तो काम करते हैं, ये जो प्लस है ना, ये प्लस निकलेगा पर ये फटाक से खींच लिया जाएगा। ये ऐसे निकलेगा तो फटाक से खींच लिया जाएगा, ऐसे यहां पे ऐसे ऐसे फट से खींच लिया जाएगा, ऐसे यहां से निकलेगा ऐसे खींच लिया जाएगा, 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 फटाक से खींच लेगा। ये पता चलेगा कि ये यहां पे जाना चाह रहा है, ये यहां पे जाना चाह रहा है, ये यहां पे जाना चाह रहा है, ऐसे ये यहां पे जाना चाह रहा है, ऐसे जाना चाह रहा है और जाके लौट के आ रहा होगा यहां पर। ये सब आ रहे होंगे जो निकल रहे थे, ऑब्वियस ही बात है माइनस पे टर्मिनेट होगा। लेकिन एक और बात बता दूं, यहां पे ज्यादा फील्ड आ रहे होंगे, कहीं और से भी आ रहे होंगे। ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, कहां से आ रहे होंगे, पर आ रहे होंगे। और माइनस पे टर्मिनेट होना तय है और प्लस से निकलना तय है। ये एरो देखो क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं। लेकिन ये देखो जिस तरह की ये बात हुई है, यहां पे ऐसे निकलेगा और यहां पे ऐसे, लेकिन कुछ यहां पे दूरी पे जो ये रीजन है बहुत दूर, ये जो रीजन है वो देखो किस तरीके से इधर की तरफ है। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है कि ये वाला जो इलाका है इधर की तरफ है, ये भी समझने की जरूरत है। और ये कुछ ही पार्ट में ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्टेटमेंट, ये जो पार्ट है कुछ ही पार्ट में ये खत्म होने वाला है, ये ऐसे होके। और उसके बाद जो तुम्हें दिखेगा ये ऐसे होके ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें नजर आएगा ये आता हुआ ऐसे। मैं क्या बोलना समझ में आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ देर में जिस तरह का ये पार्ट है उस तरीके से कुछ देर में तुम्हें ऐसे नजर आने वाला है, आता हुआ पार्ट नजर आने वाला है कि ये जो चीजें हैं ऐसे खींच ली जाएंगी, ऐसे खींच ली जाएंगी, ऐसे खींच ली जाएंगी, है ना, ऐसे खींच ली जाएंगी, उसी तरह से ऐसे खींच ली जाएंगी ऐसे। लेकिन जब ये चीजें ऐसी आएंगी तो ऐसे होके ऐसे हो जाएंगी, फिर ऐसे आएंगी तो ऐसे होके ऐसे हो जाएंगी, फिर ऐसे आएंगी तो ऐसे ऐसे हो जाएंगी, और फिर ऐसे आएंगी तो ऐसे होके ऐसे हो जाएंगी। ये बाहर में भी ये समझने की जरूरत है किस तरीके से ये पूरा का पूरा बाहर में पूरा का पूरा ये इसका, और इसको अंदर ही अंदर पूरा दबा दिया है इस वाले पोर्शन को, ये समझने की जरूरत है। और फिर वही वाली बात है किस तरीके, अच्छा एक और इमेजिनेशन एक बड़ी चीज होती है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे इमेजिन करें। एक और पॉइंट है, इमेजिन करो कि हम लोग बहुत दूर लें, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दो चार्ज है, एक माइनस फोर क्यू है और एक प्लस क्यू है, और बहुत दूर लें, मतलब इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग 100 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर लें। वह उतनी दूरी के लिए इनको एक ही जगह माना जा सकता है भाई, अप्रोक्सीमेशन साइंस में तो ऐसी बात होती है, साइंस में तो ऐसी बात होती है कि दो चार्ज है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बहुत दूर की बात करेंगे तो ये दूरी को कह रहे हैं कैसा है भाई कि ये दोनों चार्ज
एक ही जगह है, नेट चार्ज है प्लस माइनस फोर क्यू एंड क्यू, नेट चार्ज है माइनस थ्री क्यू। मेरी बात ध्यान सुनो, माइनस फोर क्यू एंड प्लस क्यू एक ही जगह है बहुत दूर के लिए, क्योंकि इसको दूर हम नहीं मानेंगे। और दूरी, दूर मानना या कम मानना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। इस इलाके के लिए इसको एक जगह नहीं मान सकते, है ना। यदि यहां से इनके दूरी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 20, 30, 40 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर, इन सब के लिए आप ये नहीं मान सकते। लेकिन 100 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर के लिए उसके रिस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर को एक ही जगह मान सकते हैं, कह देंगे कि दूरी नहीं है। यदि नेट चार्ज माइनस थ्री क्यूब है, एक ही चार्ज मान लिया जाए, तो बताओ दूर पे फील्ड अपनी तरफ माइनस के कारण अपनी तरफ होगा कि नहीं। तो इसका मतलब साफ है, बहुत दूर लिया जाएगा तो रेडियल होगा, बहुत दूर लिया जाएगा, बहुत दूर लिया जाएगा, बहुत दूर लिया जाएगा तो रेडियल होगा, बहुत दूर लिया जाएगा तो रेडियल होगा, वो भी इनवर्ड होगा, वो भी इनवर्ड होगा बहुत दूर के लिए। पास के लिए तो जो आपको सामने दिख रहा है वही है। तो चलिए बाकी सारे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से देखिए। ट्राइंगल वाली बात है, ट्राइंगल का जो दिया हूं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है वो, और उसको करेंगे। उससे भी ज्यादा कठिन है, प्लस ट्राइंगल पे प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दे दिया हूं। अब ये सब किताबों में तो दिया नहीं है जो मैं दिया हूं आपके लिए, पर मेरा मानना है कि आपके आपके ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि आप पूरा मतलब जम के आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर रहे, ताकि सामने कोई क्वेश्चन आए तो देख के आप उसको पजल की तरह, जैसे पजल कोई बुझौल होता है, कोई पहेली होती है, तो आप उसको मजे के तौर पे आप उसको करते हैं, जिद करके करते हैं कि मैं बताऊंगा। तो उसी तरह हर क्वेश्चन को एंजॉय करने लगे, और आप अपने लाइफ में एक लॉन्ग जर्नी में, शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं करता मैं कभी, मेरे अक्सर देखते होंगे मैं कभी भी इसकी बात नहीं करता कि देखो इतना मार्क्स आ जाएगा तो ये क्वालिफाई कर जाओगे। झक मार के वो सक्सेस आपको, जो आप जो चाहते हैं वही मिल जाएगी, बस जरूरत है इंजॉय करने की और सीखने की, समझने की। तो आप उनको ट्राई करिए, सोचिए। काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूं किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन के लेवल पे मैं दूर की बात करता रहता हूं कि दूर सोचो कि दूर पे क्या हो रहा होगा इन दोनों चार्ज को लेके। तो ऐसे जरूर सोचना चाहिए, हमेशा इमेजिन करना चाहिए, केस बनाना चाहिए, सिचुएशन को एक परसीव करने की कोशिश करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए कि अच्छा ऐसा होगा, इतने से ये दूर होगा। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल पे, यूनिवर्स के लेवल पे भी इसी तरह की बातें कैरी हो जाती हैं। प्रभाव, चाहे स्टार का प्रभाव हो अदर प्लैनेट्स पे, चाहे प्लैनेट का प्रभाव हो सैटेलाइट पे, जो आज बात हो रही है उसी तरह की प्रभाव हम लोगों की दुनिया में देखने को मिलती है। सोचिए खरबों टाइम्स, बिलियन टाइम्स लार्जर, बिगर स्टार्स हैं, लेकिन उनका वो हम लोगों के अर्थ को नहीं खींच पाती, हम लोगों के अर्थ को तो सन खींचता है, रीजन है डिस्टेंस का। तो सोचिए डिस्टेंस दूर के लिए वो कितना वीक पड़ जाता होगा बावजूद इसके कि अरबों खरबों गुना बड़े स्टार्स हैं, और उनकी लाइट यहाँ से आते आते कितना वीक पड़ जाती है। तो चलिए आप अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी चीजें सीखिए, अच्छा चीज अपनाइए, और अच्छा चीज अचीव करिए और बड़ा नाम कमाइए।